क्या नाम है तो जगदीश? किस तरीके से क्या घटना हुई है? ये 1700 पहले तो जब मेरे पता नहीं थे, तारा टूटा जब मेरा आवाज़ आई, जब मैं बोल दिया कौन हो, जब सारा मुठिया आसमान सब इतर मेरे का 2-3 बार था पिस्टल लगा दी। क्या हथियार थे? राड थी, पिस्टल थी, कनवा में हथ लगा दी, कनपट्टी गए अगर पड़े होने तो आसमान बांध दिया मेरा। कितने बजे की घटना? 2 की। क्या क्या लूट के ले गए? दाल उसी सारी लूटे हुए, कैश था 18,360। रात को क्या आपके पास मोबाइल था? मोबाइल मेरे बैठे दिखा लेगा फोन। पहले जब इसको तोड़ना चाह रहे होंगे तब आवाज़ आई होगी क्या? अब आपने सेल्समैन को या किसी को फोन नहीं किया? जब आवाज़ आई मेरे को जब मैं पुलिस नहीं बिछड़ बड़ी गाँव फिर मैं कहाँ फोन करे था पुलिस को सोचना। पुलिस जो बोले मारा नहीं दही से छठपुर साहब। कितने बजे पुलिस आई है? 3:15। 3:15 बजे करीब। दो बजे आए पिकअप में, पिकअप कैंपर डाला था जिसपे नंबर नहीं सफेद कलर की है, और 2 आके इन्होंने एकदम झटके से शटर पाड़ी। उनका तो काम यही है, ये चट्ठी वारदात है क्षेत्र की, तो 2 आए तो उनको पाड़ के शटर को सेल्समैन को घेर लिया। सेल्समैन बड़े आदमी निकल रहा आदमी उसको बंदर बना लिया गया है हथियार की नौक में, फिर इसके हाथ वाथ बांध दिए, इसके मोबाइल की बैटरी निकाल ली उन लोगों ने, और सामान 4-5 थे उठा उठा के पूरा सामान रैक वैक खाली कर ले गए। रात का कैश था करीब 18,000 कुछ रुपये का तो कैश था, और 4,72,000 के आसपास सामान की पेटियाँ और ये पूरी रैक भरी हुई थी, पेटियाँ लगी हुई थी देसी अंग्रेजी और बियर की, वो सब उठा के ले गए। तो ये कोई पहली वारदात थोड़ी, इन 15 में करीब ये चटी वारदात है। तसीम दुकान टूटी थोड़े दिन पहले, उसके बाद सिलारपुर टूटी, 2 कायसा दुकान टूटी, उस सबसे पहले शक्ति के पास हाईवे वालों की दुकान टूटी, परसों माजरी की दुकान टूटी है। तो वही एक ही गाड़ी है, वही लोग हैं, ये प्रशासन की पकड़ में नहीं आ रहे। कारण क्या है? क्योंकि वही लोग हैं, ये ग्रो है, ये कार्य कर रहा है। पुलिस को सूचना ये इसका मोबाइल की बैटरी निकाल ली थी, ये पड़ोसी धर्मपाल के यहाँ गए और जाके इसने रामचंद्र को कॉल किया, रामचंद्र ने मुझे कॉल किया, हम थाने पे पहुँचे करीब 2:30 हम थाने में पहुँच गए थे, 2:30-3 हम थाने में पहुँच गए थे, और वहाँ से जाके हमने पुलिस को बताया। तो पुलिस यहाँ 3:15 आके, और राकेश जी थानेदार जी थे, उनके गश्त में साथ और थे 2-3 पुलिस वाले, आए मौके पे देख के चले गए। अब हम रिपोर्ट अभी तक क्या कुछ कार्रवाई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, उस कोतवाल साहब जिन सुनवाई पे गए हुए हैं, आने के बाद हम रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, पुलिस अपनी कार्रवाई अपने तरीके से करेगी। बाकी ग्रोह ज़्यादा ही सक्रिय हो गया बैराड़ों में।